स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सीहोर के करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट आपको दे दें। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते बच्ची बोरवेल में नीचे खिसकी है। 30 फीट से खिसक कर 50 फीट से ज्यादा की गहराई पर सृष्टि पहुंच चुकी है। वाइब्रेशन के चलते 50 फीट से नीचे सृष्टि पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में और देरी हो सकती है। कन्वेंशनल मेथड से बच्ची को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। बच्ची का मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन के चलते बच्ची बोरवेल में नीचे खिसकी है। 50 फीट से ज्यादा की गहराई पर सृष्टि खिसक चुकी है। खुदाई अभी जो साइड में जो ट्रेंच खुदी है वो लगभग 28-29 फीट हो गया है अभी। लेकिन अब चूंकि पत्थर है, हार्ड रॉक है और मशीनों को काम करने के लिए रैंप बनाना है, वर्किंग स्पेस निकालना है, तो साइड में हम लोग जगह बना के उसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, क्या बच्ची और अंदर खिसक गई है, कुछ ऐसी भी बात है क्या सर? जैसे जैसे ये खुदाई का काम चल रहा है अभी धीरे धीरे बच्ची थोड़ा थोड़ा नीचे खिसक रही है। सर लगभग आप कितनी हाइट, कितनी डेप्थ में बच्ची होगी सर? अभी डेप्थ का हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, वही असेसमेंट कर रहे हैं। सर ये ऑक्सीजन बंद कर दी गई सर, क्या है? नहीं, ऑक्सीजन चल रही है। सर बच्ची की मूवमेंट, बच्ची की मूवमेंट चूंकि समय 12 घंटे से ऊपर हो गया है तो मूवमेंट डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी लगातार दे रहे हैं। कोशिश का जो उपयोग किया जा रहा है सर, रोप का, जो रोप से क्या हुक से हुकअप करने की, रोप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बच्ची कुछ रिस्पॉन्ड करे ताकि वहाँ पता चले, और यदि वो हाथ पकड़ती है तो उससे कुछ मदद मिलेगी। 18 घंटे हो गए सर लगातार मूवमेंट, कुछ क्या? नहीं, अभी 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 फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं कि उम्मीद है कि कुछ उसमें सफलता मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, बच्ची अभी भी फंसी हुई है और परेशानी बढ़ती जा रही है। 30 फीट से अब 50 फीट पर खिसक कर बच्ची पहुंच चुकी है। क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि जो बच्ची 30 फुट की गहराई पे फंसी हुई थी अब वो 50 फीट से ज्यादा की गहराई पर पहुंच गई है। 300 फीट का ये पूरा बोर है और अभी तक जो अगर पैरेलल अगर हम ड्रिल की बात करें तो 27 से 28 फीट तक ये पैरेलल ड्रिल जो है वो हो पाया है, और इसके बाद बड़ी बड़ी चट्टाने जो है वो इस पूरे ड्रिल और पूरे रेस्क्यू अभियान में कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार देरी हो रही है। अब एक दूसरा प्रयास भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने शुरू किया है, जिसके है तो जो रोप होती है रोप में हुक डालकर उसे गड्ढे में डाला जा रहा है, बोरवेल में डाला जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि बच्ची जो है वो रोप में फंस जाए और उसको वहां से फिर ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। तो ये कोशिश भी अब लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि कब तक सफलता मिल पाती है, क्योंकि अब बच्ची जो है वो काफी ज्यादा गहराई में चली गई है। 50 से 60 फीट की गहराई तक बच्ची जो है वो नीचे खिसक चुकी है, और इसके पीछे का कारण भी यही है कि जब लगातार ड्रिलिंग हो रही थी और उसकी वजह से जो वाइब्रेशन हो रहे थे उसके चलते बच्ची और भी ज्यादा नीचे खिसक गई है। तो अब और जो मुसीबतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगातार लगभग अब जो 20 से 22 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अब कोशिश जल्द से जल्द बच्ची तक पहुंचने की जरूर है, लेकिन अब तक फिलहाल कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। इस सबके बीच जो बच्ची का परिवार है, जो बच्ची के परिजन है, उनका बहुत बुरा हाल है, वो काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और समझा भी जा सकता है क्योंकि उनका जिगर का टुकड़ा 20 घंटे से अधिक समय हो गया है एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी ये मुसीबतें हैं, ये मुश्किलें हैं, और उस बच्ची पर क्या कुछ नहीं गुजर रही होगी इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। चिंता की बात एक और है, चिंता की बात यह है कि लंबे समय से बच्ची का कोई रिस्पॉन्स भी कैमरे में नोट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़े एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर अधिकारी भी आप चिंतित हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। जो ऑक्सीजन है वो लगातार गड्ढे में सप्लाई की जा रही है, कैमरे से लगातार नजरें रखी जा रही हैं कि कुछ इनपुट हो, कुछ हलचल हो तो उसको रिकॉर्ड किया जाए और उसके जरिए बच्ची तक कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ये सारी कोशिशें लगातार जारी हैं, प्रयास लगातार जारी हैं। थोड़ा सा इंतजार कह सकते हैं कि और करना होगा ताकि थोड़ी और स्थिति स्पष्ट हो सके, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में कितना और समय लगता है। जी,
ठीक, आप लगातार नजर बना रखिएगा वासु, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। मंत्रियों के दौरे और कामकाज का रिव्यू आज होने जा रहा है। आज मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। सभी मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया गया है। लाडली बहरा योजना पर भी बातचीत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मंत्रियों से बात करेंगे। मंत्रियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के साथ विधायक भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो आज मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री के साथ, अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, कामकाज का रिव्यू देंगे। मंत्रियों के दौरे का जो रिव्यू है, कामकाज का रिव्यू है, वो दिया जाएगा। ग्वालियर से बड़ी खबर है। पुराने विवाद पर युवक पर देर रात जानलेवा हमला हुआ है। चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया है। घायल युवक को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया। इंदरगंज थाना क्षेत्र के खलासीपुरा इलाके का ये पूरा मामला है। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए ये हमला हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, देर रात जानलेवा हमला हुआ है युवक पर, आखिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के खलासीपुरा इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। कल देर रात यहाँ एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया और ये हमला करने वाले लोग पिता पुत्र और एक उनका दोस्त था। दरअसल इनकी इस युवक से कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी और कल रात को इसी बात को लेकर एक बार फिर से जो है इनके बीच विवाद हुआ और जिसमें एक पिता पुत्र और दोस्त ने मिलकर, तीन लोगों ने मिलकर इस युवक को चाकू मारे हैं, जिसे गंभीर हालत में परिवार के लोग जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने इसमें देर रात जो आरोपी है उनके खिलाफ नामजद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है, क्योंकि घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। बैतूल से बड़ी खबर है। नदी में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हुई है। करबडा नदी में नहा रहे थे चार बच्चे, एक बच्चा झाड़ियों में फंसकर बच गया और तीन बच्चों की ज्यादा गहराई में डूबने से मौत हो गई। घटना के समय चारों बच्चों के घर पर कोई नहीं था। तीसरी और पांचवी कक्षा में ये बच्चे पढ़ते थे। साईखेड़ा के ढोडरा मुहार गाँव की घटना आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रिशु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिशु, बच्चों के नदी में डूबने से मौत हुई है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी देखिए रितु, ये जो बच्चे डूबे हैं, चार बच्चे इस गांव के गए थे खरपड़ा नदी में नहाने के लिए। चारों बच्चों के जो परिजन हैं वो मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। इनमें से एक जो बच्चा है जिसका नाम आर्यन है, वो अपने नाना के घर आया हुआ था छुट्टी मनाने, और गांव के तीन और बच्चों से उसकी दोस्ती हुई थी और ये चारों नदी में नहाने के लिए गए थे। अचानक नहाते नहाते खेलते हुए ये बच्चे ज्यादा गहराई में चले गए और डूबने लगे। एक बच्चा जो है वो झाड़ियों में फंसकर बच गया, लेकिन बाकी जो तीन बच्चे हैं जब तक उन्हें बचाया जा सकता वो गहरी नदी में डूब चुके थे। रेस्क्यू के बाद कल रात इनकी बॉडीज निकाल ली गई है। तीनों शव बरामद हो गए हैं बच्चों के और फिलहाल अभी मुल्ताई में इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। बताया जा रहा है कि नदी जो है उसमें रेत है किनारे पर, और जैसे ही बच्चे रेत की तरफ से खेलते खेलते थोड़ा सा आगे गए, वहां गड्ढा था गहरा नदी के अंदर बीच में, और उसमें बच्चे डूब गए और वापस बाहर नहीं आ पाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु जानकारी को साझा करने के लिए। दमोह से बड़ी खबर है। स्याही फेंकने के मामले में डीईओ थाने पहुंचे हैं। देर रात कोतवाली थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर यह मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। घटना घटित हुई है, उसके संबंध में हम कार्रवाई चाहेंगे। किसके खिलाफ आपने एफआईआर करवाई है, क्या आवेदन दिया? ये जो चार लोग थे उनमें से मैं दो को पहचानता हूँ, उनके नाम और बाकी उनके साथियों के नाम, क्या आवेदन? तो मैं तो कार्रवाई करने का निवेदन करने आया। कोतवाली में सर आवेदन दिया कि एफआईआर कराई है? वो एफआईआर ही होगी,
हम शासकीय अधिकारी हैं, कार्य में बाधा आधा डालने का जो होगा वो मैं यहाँ लिखूँगा और उस हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। जबलपुर से बड़ी खबर है, गैस से भरे मालगाड़ी के दो टैंकर पटरी से उतरे हैं। जबलपुर के शेपुरा स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी और कर्मचारी। शेपुरा में स्थित है पेट्रोलियम प्लांट, प्लांट के पेट्रोल डीजल और गैस स्टॉक करने वाले डिपो तक ये मालगाड़ी जाती है। आधी रात तक जारी रही गहमा गहमी। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। मच्छरों के मारने वाले वाहन में आग लगी है। नगर निगम के वाहन में अचानक से आग लगी। फॉगिंग मशीन के गर्म होने से यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जबलपुर में देव्यापार के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा है। माडोताल थाना क्षेत्र के विजयनगर स्थित 41 नंबर स्कीम में एक निर्माणाधीन मकान पर छापेमारी हुई। 8 से 10 लड़कियां और लड़के मिले हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो मुखबिर से सूचना मिली थी कि निर्माणाधीन मकान में 1.5 महीने से अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो आपत्तिजनक हालत में लड़के लड़कियां पकड़े गए। पुलिस ने थाने ले आई और पूछताछ किया गया तो वहीं पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए इनके मोबाइल और संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, नदी किनारे अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई हुई है। खेत में मिला है करीब 25 टन अवैध कोयला। पर सोड़ी कला नदी किनारे से निकाल रहे अवैध कोयला, सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की है। बाइकर्स की मदद से कोयले को खेत में छुपाया गया था। लखनपुर के परसोड़ी कला खरखा डांड का ये मामला आपको बता रहे हैं। नदी किनारे अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 25 टन अवैध कोयले को जब्त किया है। परसोड़ी कला नदी किनारे से कोयला निकाला जा रहा था। सूचना पर पुलिस की विशेष टीम पहुंची और छापामार कार्रवाई की। बाइकर्स की मदद से कोयला को रेत में छिपाया गया। लखनपुर के परसोड़ी कला खरखा डांड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अवैध कोयले का भंडारण किया जा रहा था, आखिर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास, ये कार्रवाई की गई है बड़ी? देखिए, ये कुनगुट्टा नदी है, उसके किनारे किनारे जो स्थानीय लोग हैं या कोयला तस्कर हैं वो गड्ढा खोद के अवैध कोयला निकाल कर उसको बेचा करते हैं। इसकी सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी और जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने आज देर रात वहां पहुंचकर छापा मारा है और एक खेत में अवैध 28 लगभग 25 टन कोयला जो है उसको जब्त किया है और उसको जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से थाना ले जाया जा रहा है। और ये पूरा जो मामला है वो लखनपुर थाना क्षेत्र के परसोड़ी नदी परसोड़ी कला गांव का मामला है, जहां के नदी किनारे इस तरह से जो है अवैध कोयला गड्ढे खोदकर निकाला जा रहा है और लगातार जो है पुलिस इस पर नकल कसने काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नदी किनारे कोयला निकाला जाता है और उसको बाइकर्स गैंग की मदद से उसे एक जगह इकट्ठा कर ये बेचने का काम किया जा रहा है, जिस पर आज
जो है पुलिस सरगुजा की विशेष जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची थी, उसमें कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण। दुर्ग से बड़ी खबर है संविदा कर्मियों की। आज एक दिन की हड़ताल है, अलग अलग विभागों के संविदा कर्मी शामिल होंगे, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल से सरकारी काम पर असर पड़ने की संभावना है। रायगढ़ से बड़ी खबर है सड़क हादसे के बाद जाम लगा है। पालीघाट में ट्रक हुआ है हादसे का शिकार, हादसे में बाल बाल बचा है ट्रक का ड्राइवर। सड़क पर ट्रक के पलटने से लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क हादसे के बाद जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पालीघाट के ट्रक का हादसे का शिकार हुआ है और उसके बाद जाम की स्थिति बन गई। कई वाहन जो है कतार में लगे हुए नजर आए। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी निवेदाती की शादी हुई। इस शादी समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इसके अलावा शादी समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी और राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंचे आशीर्वाद देने के लिए। अरे भैया, जशपुर विधायक फिर से सुर्खियों में है। विधायक विनय भगत का धमाकेदार डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। विधायक ठेठ नागपुरी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान ग्रामीणों के साथ जमकर नाचे। जशपुर विधायक विनय भगत अपने डांस करने के अंदाज से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर है, मरवाही के घुसरिया गांव में पहुंचा है 5 हाथियों का दल। हाथियों ने फसल और घर को नुकसान पहुंचाया। कई दिनों से मरवाही वन मंडल में घूम रहा था हाथियों का दल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील कर रही है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।